हेलो, वेलकम टू द चैनल। टुडे वी विल डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखिए, बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके ऊपर बेस्ड हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव सम रिवीजन अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, देखो, रिवीजन अगर आपने पहला लेक्चर अटेंड करा इससे पहले वाला तो ठीक है, अगर आपने नहीं अटेंड करा तो आप प्लीज़ ये देखिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बिफोर परफॉर्मिंग द न्यूमेरिकल्स। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है तो आप सीधा पॉइंट नंबर 4 में चले जाओ। जैसे हमारा ये पॉइंट नंबर 1 है, वैसे सीधा पॉइंट नंबर 4 में चले जाओ, वो है हमारा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, उसमें मैंने कुछ थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़े हैं जो प्रीवियस लेक्चर में मिस हो गए थे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। देखो, ये हमारे पास एक फ्लूइड एलिमेंट है। ठीक है, और ये फ्लूइड एलिमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया है ना, कुछ लीनियरली डिफॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर रोटेट हो गया और कुछ एंगुलर डिफॉर्म हो गए, एंगुलर डिफॉर्मेशन है। ठीक है, नाउ इन चारों की वजह से हमारा जो फ्लूड एलिमेंट एट टाइम टी इक्वल टू टी वन पे था, यहाँ पे था, वो फ्लूड एलिमेंट एट टाइम टी इक्वल टू टी टू में इधर पहुँच गया है। ठीक है, नाउ उसकी थोड़ी शेप भी चेंज होगी, ओरिएंटेशन भी चेंज होगी। ठीक है, सो उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले पढ़ते हैं रेट ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में। नाउ इसमें क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसलेशन हमारा वेलोसिटी वेक्टर के बराबर ही होता है। ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है उसी के बराबर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेट ऑफ ट्रांसलेशन बताओ, तो दैट इज वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज 3 डायमेंशन के लिए एंड दिस इज फॉर 2 डायमेंशन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं रेट ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है तो सॉलिड बॉडी में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है इसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, इलॉन्गेट हो जाएगी, है ना। नाउ देखो, मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, अब ये हो गया एल प्लस डेल्टा एल, है ना, ये हमारी सॉलिड बॉडी है। ठीक है, ना होगा क्या, देखो जो हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है हमारा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ये बात होती है हमारी सॉलिड बॉडी के लिए, बट हम जब लिक्विड्स की बात करते हैं या फ्लूइड्स की बात करते हैं तो उस टाइम हमारा रेट में सब कुछ चलता है। ठीक है, सो रेट ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन मतलब जो हमारा स्ट्रेन होगा उसको हम रेट के टर्म पे पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ यूनिटलेस, बट रेट ऑफ स्ट्रेन की यूनिट होती है हमारी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो इसी के बारे में देखेंगे। नाउ लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन, वो होता है हमारा डेल यू बाय डेल एक्स, वेयर यू वी एंड डब्ल्यू आर वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, सो ये हमारा लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज इन वाई डायरेक्शन एंड दिस इज इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, दीज थ्री फॉर्मूलेज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट की। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट हमारा ये हो गया ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट क्या हो गया हमारा, सम ऑफ ऑल थ्री स्ट्रेन रेट है ना इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, सो इट विल बी इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। ठीक है, नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो फैक्टर है इट कैन ऑल्सो रिटन लाइक दिस। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर क्या होता है हमारा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये होता हमारा डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, डॉट प्रोडक्ट कर रखा है। ठीक है, और ये क्या हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट होता है, ठीक है, इट इज़ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है हमारा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एंड दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, और एक चीज़ और, इसको हम डायलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डायलेशन किसको बोलते हैं, याद रखना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, रेट याद रखना। ठीक है, बिकॉज पर यूनिट टाइम की बात हो रही है। ठीक है, ना फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स, अगर हमारा फ्लूइड क्या है, फॉर इनकम्प्रेसिबल सॉरी, अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो उसका मतलब हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और अगर हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो। तो अगर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू हमारी जीरो होगी तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट जीरो हो गया तो हमारा ये वाला फैक्टर ये वाला फैक्टर भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वही लिखा यहाँ पर हमने, सो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ रोटेशन। ठीक है, नाउ रेट ऑफ रोटेशन मतलब हमारा एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हमारा एंगुलर वेक्टर हो गया, तो ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट वाई एक्सिस एंड एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, वर्ड यूज़ करा है अबाउट, मतलब जैसे मतलब ये वाला हो गया ओमेगा एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा ओमेगा वाई, और जेड के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो वो हो गया ओमेगा जेड। ठीक है, सो ओमेगा एक्स हो गया हमारा रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, इसका फॉर्मूला ये है, वाई का एंड जेड का फॉर्मूला ये है। ठीक है, दीज थ्री फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। नाउ
ऑल्सो हमारा जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है इसको हम लिखते हैं 1/2, ठीक है, ये हमारा डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर और वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट इज दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेलोसिटी वेक्टर को हम बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर वी, ठीक है, विच इज़ वोर्टिसिटी, ठीक है। नाउ जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब जब दो वेक्टर क्वांटिटी की क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी तो आता है, ठीक है, सो दिस ऑल्सो ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ वोर्टिसिटी जो होता है इसका हमारा फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल बाई डेल बाई डेल जेड यू वी डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ क्या है, मान लो अगर हम ये तीनों के तीनों फॉर्मूला भूल गए हों तो हमको वोर्टिसिटी का फॉर्मूला याद रहेगा, सो इसे हम निकाल सकते हैं, कैसे, देखो इसको हम लिख सकते हैं डेल वी यहाँ से क्रॉस इधर हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। नाउ ये आई और जे, ठीक है, हम इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं, सो ये हमारा क्या है, दिस इज़ अबाउट के, ठीक है, सो इसका मतलब ये हमारा हो गया, इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे करके हम वाई और एक्स एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ फॉर इररोटेशनल फ्लूइड, अगर हमारा फ्लूइड इररोटेशनल है तो उस केस में हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर वी या वोर्टिसिटी हमारा जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं कंडीशन फॉर प्योर रोटेशन, ठीक है। देखो अगर हमारा एक फ्लूइड एलिमेंट है, ये हमारा क्या है, फ्लूइड एलिमेंट है, अगर ये प्योर रोटेशन कर रहा है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे, और पहले देखो हमारा ये 90 डिग्री था और आफ्टर रोटेशन ये भी हमारा 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है, सो दिस इज़ कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन। और ये कब होती है, जब हमारा ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव विद नेगेटिव साइन, ठीक है, मतलब डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो हमारी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी इक्वल होती है और ये वाली भी, ठीक है, सो कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन याद रखना। और एक कंडीशन और होती है हमारी, नो एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ व्हाट नो एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा नहीं है एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में, बट इसी कंडीशन ये भी होती है, देयर इज नो एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कई बुक्स में हमको सिंबल ये देते हैं और NPTEL में हमारा सिंबल ये है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। सो नाउ देखो ये वाला डिवाइड बाई 2 क्यों लिखा है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इन तीनों के हम फॉर्मूले याद कर लेते हैं, ठीक है, दीज थ्री फॉर्मूलेज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, जो हमारा शेयर स्ट्रेन रेट होता है इन एक्स वाई प्लेन इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेन रेट इन वाई एक्स प्लेन, ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे फॉर्मूले को याद कर लेना बिकॉज देर इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइज, अगर कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें कैलकुलेट करना है शेयर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हम कैलकुलेट क्या करेंगे, वेदर वी कैलकुलेट दिस फैक्टर और दिस फैक्टर और दिस फैक्टर, इन तीनों में से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो फैक्टर है ये क्या हमारा, अगर मैं 1/2 को कैंसिल आउट कर लूँगा तो ये वाली वैल्यू हमारी इसके बराबर है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में आएगा कि कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई प्लेन, तो हम इन तीनों में से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मतलब इसका आंसर होगा हमारा ये, ठीक है, या फिर 2 times of, ठीक है, याद रखना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं इसका डिवाइड बाय 2 मत निकाल देना वो गलत हो जाएगा, ठीक है, आधी वैल्यू नहीं होगी, टोटल पूरी वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं शेयर स्ट्रेन रेट टेंसर के बारे में, ठीक है। देखो बुक में ऐसे लिखा है और NPTEL में हमारा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है, बट लिखने का तरीका अलग है, तो आप अगर दोनों याद कर सकते हो ठीक है, वरना कोई सा भी एक याद करो, कोई सा भी एक फॉलो करो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ NPTEL में दोनों यहाँ पर डॉट यूज़ करा है, इसका मतलब होता है रेट के टर्म पे, ठीक है। नाउ तो ये था हमारा शेयर स्ट्रेन रेट टेंसर, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं कंडीशन फॉर लीनियर स्ट्रेन रेट, ठीक है। हमारा लीनियर स्ट्रेन रेट क्या होता है, ठीक है, ये हमने अभी ऊपर भी देखे थे, टू बी अ प्रिंसिपल स्ट्रेन रेट, मतलब देखो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ा था हमने और प्रिंसिपल स्ट्रेन भी पढ़ा था, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ये हमारा स्ट्रेस टेंसर है, ठीक है, इसमें क्या हो, हमारा डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, बट जो हमारे डायगनल एलिमेंट नहीं है वो हमारे जीरो हो, मतलब ये हमारा स्ट्रेन टेंसर है, ठीक है, शेयर स्ट्रेन टेंसर है, इसमें कह रहा है कि ये वाली तीनों वैल्यू शुड बी नॉन जीरो, ये हमारे जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, बट बाकी वैल्यू ये सारी वैल्यू, ठीक है,
ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए, मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट शुड बी जीरो एंड डायगनल एलिमेंट शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारे शेयर स्ट्रेस रेट है वो हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये तो मतलब हुआ इसका, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, ये सॉरी ये नहीं, ये और ये सारी हमारी क्या है, सॉरी ये, ठीक है, डीजल और शेयर स्ट्रेन रेट। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर लीनियर स्ट्रेन रेट टू बी प्रिंसिपल स्ट्रेन रेट। ठीक है, नाउ ये तीनों कंडीशन हमारी इंपॉर्टेंट है, कैसे, देखो हमको क्या करना है, ये तीनों के तीनों फैक्टर जीरो के बराबर करना है, इसका मतलब हमारा ये वाला फैक्टर शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है, ऑब्वियसली ये हमारे ऑपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए इन मैग्नीट्यूड, है ना, तो वही है हमारा, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बस हमारा साइन अलग होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा शेयर स्ट्रेन रेट है तीनों के तीनों इन एक्स वाई इन वाई जेड एंड इन एक्स जेड प्लेन हमारा जीरो आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर लीनियर स्ट्रेन रेट टू बी प्रिंसिपल स्ट्रेन रेट। ठीक है, ना अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन। देखो कंडीशन ऑफ प्योर रोटेशन हमने उस पहले भी बात करी थी और हमने वहाँ लिखा था नो एंगुलर डिफॉर्मेशन, हमारा कोई भी एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन ना होने का मतलब फिर से ये तीनों फैक्टर हमारे जीरो होने चाहिए और इन तीनों को जीरो होने के लिए हमने अभी ऊपर कंडीशन पढ़ी ये वाली। ठीक है, सो ये हमारी सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीन कंडीशन हमने पहले भी लिख रखी हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, सो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, सो दिस इज द रिविजन ऑफ लास्ट लेक्चर, तो अब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है इन टू डायमेंशनल फ्लो, हमारा फ्लो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, इफ डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है, वेयर यू एंड वी आर वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, देन द फ्लूइड एलिमेंट विल अंडरगो, ऑप्शन देगा ए ट्रांसलेशन होगा, ऑप्शन बी होगा ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ऑप्शन सी देगा ट्रांसलेशन एंड डिफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी देगा रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। सो ट्रांसलेशन क्या होता है, अगर हम ट्रांसलेशन बोले तो हमने रेट ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ा था, सो वो हमारा वेलोसिटी वेक्टर के ही बराबर था और वो तो हमारा यू आई कैप प्लस वी जे कैप। ठीक है, सो इसका मतलब ट्रांसलेशन तो हमारा जीरो नहीं होगा, इसका मतलब द फ्लूड एलिमेंट विल अंडरगो ट्रांसलेशन। ठीक है, सो ट्रांसलेशन तो पक्का होगा। ठीक है, अब हम रोटेशन की बात करते हैं। नाउ सिंस द फ्लो हमारा एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो हम ओमेगा जेड निकालेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में हमको ये और ये दोनों इक्वल की बने, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो हैंस हमारा फ्लूड रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, हमारा क्या हैंस ए रोटेशनल फ्लो है। ठीक है, ना अब हमको चेक करना है डिफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सिर्फ डिफॉर्मेशन लिखा है, तो अब हमारे डिफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा लीनियर और दूसरा होता है हमारा एंगुलर। ठीक है, ठीक है, ना देखो इसका मतलब एक काम करते हैं, हम स्ट्रेस टेंसर को देखते हैं। हमारा क्या होता है, दिस इज स्ट्रेस टेंसर है। ठीक है, सॉरी स्ट्रेन टेंसर, नॉट स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन टेंसर है। ठीक है, ना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा हमारा, डेल यू बाई डेल एक्स होता है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में हमको यू तो गिवन नहीं है। ठीक है, सो हम कह नहीं सकते कि वेदर इट इज़ इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हमको यू नहीं गिवन है। ठीक है, अगर यू में हमारा एक्स का फंक्शन आ रहा है तो हमारा ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बट अगर यू में हमारा एक्स का फंक्शन नहीं आ रहा तो हमारा ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लीनियर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, रेट ऑफ लीनियर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन हमारा डेल वी बाई डेल वाई होता है, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते, ये हमारा जीरो के इक्वल भी होता है और नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ना अब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेन रेट के बारे में इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था इज इक्वल टू 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, ना क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल गिवन है। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल गिवन है तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का हम कुछ कह नहीं सकते, बट ये दोनों तो 100% है। ठीक है, क्योंकि हमारा लीनियर स्ट्रेन, सॉरी एंगुलर स्ट्रेन रेट एक्स वाई प्लेन और वाई एक्स प्लेन में हमारा इक्वली होता है। ठीक है, सो ये दोनों तो प्रेजेंट है, इन दोनों का हम कुछ कह नहीं सकते, सो इन शॉर्ट हमारा डिफॉर्मेशन है वो भी हो रहा है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में हमको वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, तो हमको यू गिवन है, दिस इज यू वी एंड डब्ल्यू। ठीक है, हमको तीनों के तीनों गिवन है। नाउ कैलकुलेट कर रहा है, सबसे पहले हमको निकालना है स्ट्रेन रेट निकालना है, लीनियर शेयर, शेयर को मैंगुलर बोलो बात की, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट हमको तीनों निकालना है। ठीक है, बी पार्ट में कह रहा है हमको रोटेशन वेलोसिटी और सी पार्ट में कह रहा है हमको वोर्टिसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेन रेट निकालते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले लीनियर स्ट्रेन रेट की बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा। ठीक है,
देखो NPTEL में ऐसे लिखा है, कहीं बुक्स में ऐसे लिखा है, ठीक है। सो हम दोनों लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा हमारा डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है ना। यू कितना की बना है, यू हमको इतना की बना है। सो अगर मैं इसको एक्स से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारा सिंपली ए आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं स्ट्रेन रेट, लीनियर स्ट्रेन रेट, सबसे पहले मैं लीनियर निकाल रहा हूँ इन वाई डायरेक्शन, ये होगा हमारा डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है ना। वी कितना की बना हमको इतना, अगर मैं इसको वाई से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारा ए आएगा। देखो ए बी ई ये सारे हमारे क्या कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और डी बी ना लीनियर स्ट्रेन रेट इन जेड डायरेक्शन कितना होगा हमारा डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है। सो अगर मैं इसको जेड से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हमारा माइनस टू ए, ठीक है। सो ये हमारा क्या है लीनियर स्ट्रेन रेट, ठीक है ना। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट की बात करूँ तो ये हमारा कितना होगा लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन तीनों का सम, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए प्लस ए माइनस टू ए विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट आ गया ना। अब हम निकालेंगे शियर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ फंस गई ना, ये कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। ये याद रखना, ये हमने कैलकुलेट क्या करा है, शियर स्ट्रेन रेट रेट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। याद रखना ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, इसको डिवाइड बाई टू, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा ना डेल यू बाई डेल वाई कितना हमारा डेल यू, यू को अगर मैं वाई से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरा आएगा टू बी प्लस डेल वी बाई डेल एक्स, अगर मैं वी को डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स से तो हमारा जीरो आएगा, तो आएगा टू बी, ठीक है ना। सिमिलरली जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा आगे, सॉरी अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा एग्जैक्ट प्लेन में देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, ठीक है ना। यू को एक्स जेड से डिफ्रेंशिएट करना है तो वो जीरो हो गया हमारा, जीरो प्लस, और डब्ल्यू को हमको एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है तो वो भी हमारा जीरो हो गया। सो ये हमारा जीरो आ रहा है, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेट करेंगे इन शियर स्ट्रेन रेट इन एक्स सॉरी वाई जेड प्लेन, ठीक है। ये हमारा कितना होगा डेल वी बाई डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, ठीक है ना। वी को जेड से डिफ्रेंशिएट करना है तो वी तो हमारा जीरो हो गया, और W को Y से डिफ्रेंशिएट करना है वो भी हमारा जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। सो अगर मैं स्ट्रेस टेंसर बनाऊँ तो मेरा कैसा बनेगा, सॉरी स्ट्रेन टेंसर बनाऊँ वो हमारा बनेगा, देखो ए ए माइनस टू ए, ए ए माइनस टू ए, ठीक है ना। इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज टू टाइम्स ऑफ B, सो इसको हम लिखेंगे B, इधर हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। इधर हो जाएगा बी ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। बिकॉज ये बी क्यों हुआ, हमने टू बी क्यों नहीं लिखा, बिकॉज दिस इज, ठीक है याद रखना है। और ये क्या हो गया हमारा, ठीक है। सो ये हमारा स्ट्रेन टेंसर बन गया ना। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वी नीड टू कैलकुलेट द रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है। सो बी पार्ट हो गया हमारा रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, हमको ये पूछ रहा है। सो इसके लिए हमको ओमेगा इन एक्स चाहिए, अबाउट एक्स, अबाउट वाई एंड अबाउट जेड, ठीक है। हमको ये तीनों वैल्यूज चाहिए। सो फार्मूला अगर हम लिखें सो वन बाई टू तो आगे हो गई, ठीक है ना। एक्स अबाउट कितना होगा डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है। वाई का अबाउट होगा हमारा डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, ठीक है। देखो फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बताया था कि फॉर्मूला याद ना हो तो डिटर्मिनेंट लेके कर लो फैक्टर वी का, उससे भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये जेड के अबाउट हो गया, ठीक है। सो जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा वन बाई टू जीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, ये जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा, ठीक है। सो हमारा रोटेशनल वेलोसिटी हो जाएगी, देखो जीरो आई कैप प्लस सॉरी माइनस ए आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ए आई कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा सी पार्ट ने पूछ रहा है वोर्टिसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो वोर्टिसिटी हमने पढ़ा है इट इज़ टू टाइम्स ऑफ,
ठीक है, ये तो होता है। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, ठीक है, दिस इज वर्टिसिटी, इसको हम कर्ल ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर भी, ठीक है। तो ये टू ऊपर आ गया, तो इसी एड्रेस में लेते हैं, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ माइनस टू ए आई कैप, ठीक है, दिस इज द आंसर, ये हमारी वर्टिसिटी हो जाएगी, ठीक है। और सिंस वर्टिसिटी हमारी जीरो नहीं आ रही, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारा फ्लूड क्या है, रोटेशनल फ्लूड है, फ्लूड हमारा रोटेट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, देखो हमको वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, या इसको वेलोसिटी फील्ड बोल दो, ये यू हो गया हमारा, दिस इज वी एंड दिस इज डब्ल्यू, ठीक है। नाउ हमें क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट दी रोटेशनल वेलोसिटी एट पॉइंट 1, 2, 1, मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हमको गिवन है, एंड टाइम टी इक्वल टू थ्री, ठीक है, मतलब हमारा टाइम भी आ रहा है। सो अगर मैं डब्ल्यू को देखूँ तो यहाँ हमारा टाइम हमारा टी, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशनल वेलोसिटी क्या होती है हमारी, दिस इज रोटेशनल वेलोसिटी, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, ठीक है। नाउ ओमेगा एक्स कितना हो गया हमारा 1/2 डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड, ठीक है, इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो ओमेगा को वाई से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा 2z आ रहा है, माइनस वी को अगर मैं जेड से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 0 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू जेड, ठीक है। ना ओमेगा वाई कितना के बराबर होता है 1/2 डेल यू बाय डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 डेल यू बाय डेल जेड, यू को अगर मैं जेड से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 0 आएगा, माइनस अगर मैं इसको W को मैं X से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये भी 0 आएगा, ठीक है। सो ओमेगा वाई कितना आ रहा हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। ना ओमेगा जेड निकालते हैं, ये कितना होगा 1/2 डेल वाई सॉरी डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 1/2। ना ये हमारा V है, V को अगर मैं X से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो जाएगा 2y माइनस, और ये हमारा U है, अगर मैं इसको Y से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हमारा आएगा, देखो जो हमारा 6xy, ठीक है, 6xy। सो ये हमारा आ जाएगा y माइनस 3xy, ठीक है। सो हमारा जो वेलोसिटी रोटेशनल वेक्टर था या फिर रोटेशनल वेलोसिटी थी वो कितनी आ रही है हमारी, जेड आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस y माइनस 3xy के कैप, ठीक है। नो अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है निकालो एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 1, 2, 1 एंड टी इक्वल टू 3, ठीक है। सो देखो टाइम का फैक्टर तो कहीं आएंगे ना, सो देयरफॉर ये हमारा हो जाएगा, जेड को हम 1 लेंगे तो आई कैप प्लस वाई को मैंने कितना लिया, वाई को मैंने 1 लिया, 1 माइनस 3, एक्स हमारा 1 है इंटू में वाई, वाई कितना हमारा 2, ठीक है, सॉरी वाई 2, दिस इज 2, ये हमारा के कैप हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी आई कैप प्लस ये हमारा हो जाएगा 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू -4 के कैप, ठीक है। सो दिस इज दी आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको वेलोसिटी वेक्टर गिवन है या फिर हम उसको वेलोसिटी फील्ड भी बोलते हैं, और हमको यू गिवन है, दिस इज यू एंड दिस इज वी, ठीक है। सो यू हमारा है यू नॉट प्लस बी एक्स, देखो यू नॉट हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और वी है हमारा माइनस बी वाई, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर द फ्लो इज कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, हमको ये चेक करना है कि फ्लो हमारा कंप्रेसिबल है कि नहीं, ठीक है। नाउ इसके लिए हमने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, ठीक है ना, जो किसके बराबर था डीवी बाय डीटी इंटू में 1/V, ये था हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट। नाउ अगर ये हमारा 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब हमारा फ्लूड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, अगर हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब फ्लूड इज कंप्रेसिबल, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये वाला टर्म हमने कहीं पहले भी देखा है, पहले मतलब कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है इसके बारे में, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हमारी, दिस इज कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टडी स्टेट इन कंप्रेसिबल फ्लूड, है ना, एंड 3 डायमेंशन, है ना, ये हमने पढ़ी है कहीं ना कहीं। सो वो और यहाँ हम चीज़ें लिंक कर सकते हैं, ठीक है, बट फिलहाल हमने अभी तक वो टॉपिक टच नहीं करा है तो अभी हम उसको दूर रखते हैं, हम इस मेथड से जाते हैं, बल्कि मेथड के दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये हमारा होता है डेल यू बाय डेल एक्स, ये हमारा होता है डेल वी बाय डेल वाई, और ये होता है हमारा डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ठीक है। नाउ इन तीनों का सम अगर हमारा 0 के बराबर होगा सो हमारा फ्लूड क्या, इनकम्प्रेसिबल है, सिंस हमारा जेड डायरेक्शन कोई फ्लो नहीं हो रहा तो हम इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ डेल यू बाय डेल एक्स, अगर मैं इसको एक्स से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारा कितना आएगा, बी आएगा, सो दिस इज इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर मैं वाई को
वी को वाई से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारा माइनस बी आया, और दोनों का सम कितना है, जीरो के बराबर है, तो हेंस द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में भी हमको वेलोसिटी फील्ड गिवन है, या इसको वेलोसिटी वेक्टर बोल दो। ठीक है, हमको यू गिवन है, हमको वी गिवन है। ठीक है, नाउ हमारा ए ए वन, बी वन, बी ए टू, बी टू, ये सब हमारे क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में कह रहा है फॉर फ्लूइड टू बी इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल हमें बोला है कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन ए वन ए टू एंड बी टू। ठीक है, हमारा ए वन ए टू बी वन बी टू के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम्प्रेसिबल के लिए हमने देखा था वन बाई वी डी वी बाई डी टी, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा जीरो के बराबर होना चाहिए, मतलब स्ट्रेन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ सिंस जेड डायरेक्शन हमारा फ्लो हो नहीं रहा तो उसको हम जीरो लेते हैं। ठीक है, नाउ डेल यू बाई डेल एक्स को देखो, अगर मैं यू को एक्स से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारा कितना आएगा, ए वन आएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ए वन, और अगर मैं वी को वाई से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारा क्या आएगा, बी टू आएगा। ठीक है, और सिंस देयरफॉर ए वन प्लस बी टू शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी ए टू और बी वन चाहे कुछ भी हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा फ्लो इनकम्प्रेसिबल हो या ना हो। ठीक है, बट ए वन एंड बी टू शुड बी, इन दोनों का सम शुड बी जीरो के बराबर चाहिए, मतलब ए वन शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू। ठीक है, इन दोनों से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा जो वेलोसिटी फील्ड गिवन है वो क्वेश्चन नंबर फाइव जैसी है, बिल्कुल सेम है, बट इस टाइम क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट लीनियर स्ट्रेन रेट, ठीक है, शेयर स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट टेंसर बनाओ, और ये वाला कह रहा है फॉर लीनियर स्ट्रेन रेट टू बी प्रिंसिपल स्ट्रेन रेट व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन ए वन ए टू बी वन बी टू एंड फाइनली वॉट सिटी हमको निकालनी है। ठीक है, सो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर स्ट्रेन रेट के बारे में, लीनियर स्ट्रेन रेट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एंड, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स एंड वाई, सो इनका फॉर्मूला हमको पता है कितना होता है, डेल यू वाई डेल एक्स। ठीक है, ना यू को अगर मैं एक्स से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमारा कितना आएगा, ए वन आएगा, और अगर मैं वाई को डिफ्रेंशिएट करूँगा किसे, सॉरी वी को डिफ्रेंशिएट करूँगा वाई से तो हमारा कितना आएगा, वी हमारा ये हो गया, इसको अगर वाई से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो बी टू आएगा। ठीक है, सो हमारे लीनियर स्ट्रेन रेट हमने निकाल लिया ए वन एंड बी टू इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। हम निकालते हैं शेयर स्ट्रेन रेट। ठीक है, ना फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारा फ्लो टू डायमेंशनल है इसलिए हमने स्ट्रेन रेट इन जेड डायरेक्शन नहीं निकाला। ठीक है, ना इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है, ना अब वही चीज़ ये नहीं निकालेंगे, ये निकालेंगे हम। ठीक है, बिकॉज शेयर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई प्लेन उसका दो गुना होगा। ठीक है, और एक इसके बराबर होगा डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, और कितने के बराबर होगा, देखो डेल यू बाई डेल वाई, यू को अगर मैं वाई से डिफ्रेंशिएट करूँगा, यू को अगर वाई से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो बी वन आएगा। ठीक है, सो यू का हमारा बी वन प्लस डेल वी बाई डेल एक्स, अगर मैं वी को एक्स से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ए टू आएगा। ठीक है, और यही हमारा किसके बराबर भी होगा, ये हमारा वाई एक्स प्लेन के बराबर भी होगा। ठीक है, ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है सी पार्ट है हमारा, हमको टेंसर बनाने का बोल रहा है, स्ट्रेन टेंसर। ठीक है, ना स्ट्रेन टेंसर हमको बनाना है तो सबसे पहले है ये टू डायमेंशन का केस है तो छोटा सा ही बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा, ना ये वाली वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये निकाली हमने ए वन, सो ये ए वन हो गया, ये वाली हमने कितनी निकाली बी टू। ठीक है, और ये वाली हमने निकाली है बी वन प्लस ए टू बाई टू। ठीक है, याद रखना बाई टू करा है, सिमिलर दिस इज ऑल्सो बी वन प्लस ए टू बाई टू। ठीक है, हमारा क्या बन गया, स्ट्रेन टेंसर बन गया, स्ट्रेन रेट टेंसर। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हमें निकालना है फॉर व्हाट लीनियर स्ट्रेन टू बी प्रिंसिपल स्ट्रेन व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन ए वन ए टू बी वन एंड बी टू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को ए वन और ए टू को प्रिंसिपल स्ट्रेन बनाना है तो हमको इन दोनों वैल्यूज को जीरो पुट करना पड़ेगा, सिंस ये हमारे दोनों इक्वल है तो बी वन प्लस ए टू बाई टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज हमारा बी वन प्लस ए टू शुड बी इक्वल टू जीरो या फिर बी वन शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू। ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारा लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन विल बिकम प्रिंसिपल स्ट्रेन रेट। ठीक है, सो ये था हमारा डी पार्ट। अब हम निकाल रहे हैं वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी। ठीक है, ना वोर्टिसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है
आई जे डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई यू वी, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे निकाल लो या फिर नॉर्मल वे से निकाल दो तो ये हमारा हो जाएगा। अरे सॉरी, ऐसे नहीं निकालेंगे इसको, ये होगा हमारा टू टाइम्स ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू आई कैप जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, ठीक है। नाउ सिंस हमारा फ्लो जेड डायरेक्शन में, तो ये दोनों टर्म हमारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो सिंपली हो जाएगा ओमेगा जेड के कैप, ठीक है। नाउ ओमेगा जेड कितना होता है हमारा, वन बाय टू डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वन बाय टू। नाउ डेल वी बाय डेल एक्स, अगर हम वी को एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन का हमारा वी को अगर हम एक्स, ये हमारा वी है, इसको अगर मैं एक्स से डिफरेंशिएट करूँगा तो ए टू आएगा, सो दिस बिकम ए टू माइनस। अगर हम यू को वाई से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, वाई से डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा बी वन आएगा, ठीक है, बी वन, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा वोर्टिसिटी कितना हो गया, टू टाइम्स, मतलब ये हो गया ए टू माइनस बी वन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर आई सॉरी के कैप, ठीक है। नाउ अगर मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एफ पार्ट, अगर हमको बोला व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट द फ्लूइड बिकम इन रोटेशन, ठीक है, कंडीशन फॉर फ्लूइड इज इर रोटेशनल, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, हमारा वोर्टिसिटी जीरो के बराबर हो जाएगी, हमारा वोर्टिसिटी विल बी इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज हमारा क्या होगा, ए टू विल बी इक्वल टू बी वन के बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, हमको एक बीकर गिवन है और उसमें हम फ्लूइड को रोटेट करा रहे हैं, मतलब ये हमारा फ्लूइड है, ठीक है, इसको हम रोटेट कर पा रहे हैं विद एन आर बी एम ऑफ 360 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट दी वोर्टिसिटी, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वोर्टिसिटी क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू, ठीक है, टू टाइम्स ऑफ, ठीक है, ये हमारा वोर्टिसिटी होता है। नाउ क्वेश्चन में हमको अब एज्यूम करना पड़ेगा अपने एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि ये हमारा बीकर है, इसमें हमारा फ्लूइड रोटेट कर रहा है, तो ये वाली एक्सेस को मैं जेड एक्सेस मान लेता हूँ, ठीक है, और ये एंड दिस एक्सेस, ठीक है, मतलब ये वाली एक्स मान लेता हूँ और एक वाई, मतलब फ्लूइड हमारा जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सो ये दोनों कॉम्पोनेंट हमारे जीरो के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ओमेगा जेड कितने के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू, देखो हमको आरपीएम की बने 360 रेवोल्यूशन पर मिनट, सो दिस इज 2 पाई एन बाई 60, 360 बाई 60, सो ओमेगा जेड आ जाएगा हमारा 37.70 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो देयरफॉर वोर्टिसिटी कितनी आ जाएगी, इसका डबल, सो देयरफॉर वोर्टिसिटी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा जेड के कैप विच इज इक्वल टू 75.4 के कैप रेडियन पर सेकंड, ठीक है। देखो ये जो के कैप है ना, ये हमको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, ये हम आई कैप भी ले सकते हैं, ये हम जे कैप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इंपॉर्टेंट हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमारा कितने मैग्नीट्यूड से रोटेट कर रहा है, विच इज इक्वल टू 75.4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर अ कोएड फ्लो विद वेलोसिटी वेक्टर, हमको वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, ठीक है, एंड क्वेश्चन में कह रहा है इज द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कोएड फ्लो क्या होता है, ठीक है, देखो जब हम फ्लो थ्रू पैरल प्लेट्स पढ़ेंगे तो उस टाइम कोएड फ्लो देखेंगे क्या होता है, बट फिलहाल के लिए मान लो हमारे पास दो प्लेट्स है, ठीक है, जिनमें से जो नीचे वाली प्लेट है इट इज़ स्टेशनरी, ये हमारी स्टेशनरी है, और जो ऊपर वाली प्लेट है इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी यू नॉट, ठीक है, वेर यू नॉट इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारी यू नॉट है। देखो जैसे ये यू नॉट हमारी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी स्टेशनरी प्लेट पर आएगी तो हमारा क्या होगा, एक वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप होगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम ये पढ़ रहे हैं कि कोएड फ्लो होता क्या है, ठीक है। नाउ ये हमारा क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल है, और फॉर कोएड फ्लो हम एज्यूम करते हैं कि इट इज़ लीनियर इन नेचर, ठीक है, मतलब लीनियर होती है प्रोफाइल होती है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना भी होता फिर भी हम लिखते हैं यू इज इक्वल टू यू नॉट वाई वाई एच, ठीक है, क्यों, वेर यू इज दी ये वेलोसिटी, ये देख रहे हो ये सारी की सारी वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटीज, ठीक है। नाउ अब सिंस ये हमारी क्या है, इन एक्स डायरेक्शन है, क्योंकि हमको यू नॉट वाई एच गिवन है, सो इसका मतलब ये हमारा ये डायरेक्शन हमारी एक्स है, ये वाली हमारी वाई है, और ये हम एज्यूम करते हैं जेड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है इज द फ्लो इज रोटेशन और इज रोटेशन, ये हमको कौन बताता है, ये हमको बताता है वोर्टिसिटी, अगर हमारा वोर्टिसिटी जीरो के बराबर हो जाए तो फ्लूइड फ्लो हमारा इरोटेशन है, अगर वोर्टिसिटी हमारा जीरो के बराबर नहीं है तो हमारा फ्लूइड क्या है, रोटेशन है, ठीक है। सो नाउ वोर्टिसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है, सॉरी वोर्टिसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा
टू टाइम्स ऑफ ओमेगा वेक्टर, ठीक है, ये क्या हमारा एंगुलर स्पीड वेक्टर जो होता है उसके टू टाइम्स होता है। सो ये हो गया हमारा ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फ्लूइड फ्लो हमारा एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। सो हमारा ओमेगा एक्स जीरो हो गया और ओमेगा जेड भी जीरो हो गया, तो हम यही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ओमेगा जेड कितना होता है हमारा, ओमेगा जेड का मतलब हो गया हमारा जो फ्लूइड हो रहा है रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। सो इसके अबाउट ये हमारा ओमेगा जेड हो गया, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1/2 डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है। सो 1/2 नाउ डेल वी बाय डेल एक्स देखो कितना है, वी हमको क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो ये हमारा जीरो हो गया। माइनस डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई मतलब अगर मैं इस फैक्टर को वाई से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो हमारा होगा यू नॉट अपॉन में एच, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, माइनस यू नॉट अपॉन में टू एच। सो देयरफॉर वोर्टिसिटी कितनी आ रही है हमारी, देयरफॉर वोर्टिसिटी इज इक्वल टू हमारी आ रही है माइनस यू नॉट अपॉन में एच, ठीक है, क्योंकि इस फैक्टर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वोर्टिसिटी आ जाएगी, ठीक है। सिंस वोर्टिसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारा जीरो के बराबर तो नहीं है, सो हमारा फ्लूइड कैसा फ्लो रहा है, रोटेशनल है, ठीक है। सो याद रखना कोएड फ्लो में हमारा जो फ्लूइड फ्लो होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा एच है फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमारा एच है, ठीक है ना। कोएड फ्लो में हमारा जो फ्लूइड होता है वो रोटेशनल होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।